धनतेरस के साथ ही मंगलवार से 5 दिवसीय दिवाली का आगाज हुआ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन सोने के आभूषण लेने का महत्व है, जिसके चलते कहीं ना कहीं ज्वेलरी शॉप्स में भी ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी है। इसी बीच नागपुर करांचा गहना कहे जाने वाले रोकड़े ज्वेलर्स का हमारी संवाददाता ने जायजा लिया और जाना कि किस तरह से रोकड़े ज्वेलर्स को धनतेरस के दिन ग्राहकों का प्रतिसाद मिला। आइए डालते हैं एक नजर। धनतेरसी के पावन पर्व पर आज हम आए हैं रोकड़े ज्वेलर्स में। आइए देखते हैं कि किस तरीके से ग्राहकों का रोकड़े ज्वेलर्स को प्रतिसाद मिल रहा है। जिस तरीके से कहा जाता है कि रोकड़े ज्वेलर्स नागपुर करांसा दागिना यहाँ पे सबसे अच्छा मिलता है, तो उसी बीच हम देखने आए हैं यहाँ पे कि धनतेरसी के दिन यहाँ पे ग्राहकों का किस तरीके से प्रतिसाद मिला है। चलिए आइए देखते हैं। धनतेरस का दिन है और धनतेरस के दिन कोई भी सोने की चीज़, कोई भी सोने का आभूषण लेना या फिर चांदी का आभूषण लेना कहीं ना कहीं अहम माना जाता है। इसी बीच हम आए हैं नागपुर के सुप्रसिद्ध रोकड़े ज्वेलर्स में, जिसको अक्सर नागपुरन करांसा गहना कहा जाता है। आज यहाँ पे हम आए हैं इनकी वंदना मैम जो HR है, उनसे बात करेंगे, जानेंगे किस तरीके से ग्राहकों का आज धनतेरस के दिन उन्हें प्रतिसाद मिल रहा है। सबसे पहले तो आपको धनतेरस की BCN की और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज धनतेरस का दिन है, मैं जानना चाहती हूँ आपसे किस तरीके से ग्राहकों का आपको प्रतिसाद मिल रहा है। भीड़ तो आप देख ही रहे हैं, आप सबको पूरे नागपुर को मेरी तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं वंदना त्रिपाठी रोकड़े ज्वेलर्स की तरफ से आप सबको आमंत्रण करती हूँ, हमारे शोरूम में आइए, आके हमारे लेटेस्ट कलेक्शन देखिए। कस्टमर मतलब कि आज पैर रखने की जगह नहीं है, बहुत ही मुश्किल हो रहा है मैनेज करने के लिए, लेकिन आज दिन ही ऐसा है कि एक्सपेक्टेड था और हम ऑलरेडी सुसज्ज हैं अपने स्टॉक के साथ, स्टाफ के साथ, आपके अपनी धनतेरस की तैयारी के लिए। कहीं ना कहीं ग्राहक जो है बहुत सारे आज रोकड़े ज्वेलर्स में पधारे हैं, तो इन सभी ग्राहकों को आप BCN के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं? बहुत धन्यवाद रोकड़े को चुनने के लिए, यहाँ पर आकर हमारा उत्साह और हमारे इस दिवाली के सम्मेलन में हमें सपोर्ट के लिए, एंड आप हैं तो हम हैं नागपुर। थैंक यू सो मच, प्लीज़ जॉइन अस, हर धनतेरस हमारे साथ ही बनाइए और हम आपके साथ मिलकर और ज़्यादा तरक्की कर पाएँ। जिस तरीके से सुवर्ण आभूषणों का धनतेरस में सबसे ज़्यादा महत्व होता है, स्वर्ण आभूषण या फिर चांदी की कोई भी चीज़ लेना धनतेरस के दिन महत्वपूर्ण माना जाता है, उसी तरीके से रोकड़े ज्वेलर्स में भी आज अच्छी खासी ग्राहकों की भीड़ है और ग्राहकों का भी रोकड़े ज्वेलर्स को अच्छा प्रतिसाद मिलता दिखाई दे रहा है। धनतेरस के माहौल के बीच आज हम पधारे हैं रोकड़े ज्वेलर्स, जहाँ पे आपने देखा है कि किस तरीके से ग्राहकों की भीड़ है। अब ये जो ग्राहकों की भीड़ है इस पे रोकड़े ज्वेलर्स की राजेश रोकड़े जी इनका क्या कहना है ये जानते हैं। देखिए, पूरे साल का एक सबसे बड़ा मुहूर्त होता है और इस दिन की भी हम लोग एज अ ज्वेलर्स हम लोग भी राह देखते हैं कि इस दिन ग्राहक आए और हमने जो कलेक्शन पूरे साल भर इकट्ठा किया है वो देखे, और आज के दिन से हमें लगता है कि हमने पूरा साल अच्छा गुजारा। और आज के दिन में सबसे बड़ी बात यह भी है कि आज जो भी ग्राहक आते हैं वो एक मुहूर्त देख के आते हैं। धनतेरस एक अपने आप में एक इतना बड़ा मुहूर्त है पूरे साल का, और हमारे संस्कृति में हमारे कस्टम में ये मान्यता है कि आज के दिन अगर खरीदारी की जाती है तो उसकी वृद्धि 13 गुना होती है, तो इसीलिए धनतेरस कहा जाता है। तो इसी वजह से जो मान्यता है और एक प्रकार से देखा जाए तो ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी है, और एकमात्र गोल्ड एक ऐसी चीज़ है इसमें आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, आप उसको उपयोग भी कर सकते हो। इस वजह से मतलब आदिकाल से और अभी तक के, और मुझे लगता है भविष्य में भी ये गोल्ड के प्रति जो ग्राहकों का अपना अटूट रिश्ता है ये और मजबूत बनेगा, और हम लोग ने एज अ रोकड़े ज्वेलर्स ने तो पूरी तैयारी कर ली है। और आप देख सकते हैं पीछे में ग्राहक, जिस वजह से ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आज के तारीख में रोकड़े ज्वेलर्स हमारे ग्राहकों के कसौटी पे खरा उतरा है। कहीं ना कहीं रोकड़े ज्वेलर्स को नागपुर करांसा दागिना ऐसा कहा जाता है। रोकड़े ज्वेलर्स की जो स्पेशलिटी यही है कि नागपुर के शहरवासी जितने भी जनता है उनके लिए जो गहने होते हैं उसी तरीके से डिजाइन हो जैसे नागपुर का रंग और ढंग है। तो इसी बीच इस बार जो है दिवाली का माहौल है, इसमें ग्राहकों के लिए रोकड़े ज्वेलर्स और क्या यूनिक तरीके के डिजाइन लेना है उसके बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए, अपना ब्रांड है
और यहाँ के ग्राहक जितने भी नागपुर का रहे और विदर्भ के सभी लोगों ने इसे अपना जो अपनापन दिया उसका सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा। आज के डेट में हर प्रकार की ज्वेलरी में काफ़ी नए इन्वेंशंस आ गए हैं। लाइट वेट ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा पसंद की जा रही है, प्लेटिनियम ज्वेलरी ज़्यादा पसंद की जा रही है। अभी आप देखे होंगे केएल राहुल हमारे ब्रांड एम्बेसडर है प्लेटिनियम के, तो उनके ब्रेसलेट जो है प्लेटिनियम के वो ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। टेम्पल ज्वेलरी में हम लोग वन ऑफ द बिगेस्ट हाइएस्ट हम लोग स्टॉकिस्ट है। डायमंड में भी हम लोग काफ़ी डिज़ाइंस ऐसे लेके आए, यूनिक डिज़ाइंस है। और अभी आजकल ड्यूअल कलर मतलब गोल्ड और प्लेटिनियम ऐसे ड्यूअल कलर में भी काफ़ी चीज़ें पसंद की जा रही है, जैसे कि चेन है, ब्रेसलेट्स है। मंगलसूत्र प्लेटिनियम में हमने इंट्रोड्यूस किया है इस बार, तो मंगलसूत्र में भी इतनी सुंदर वेराइटी है कि मैं इतना कह सकता हूँ कि एक बार बस कस्टमर ने आना चाहिए, आपका मन जरूर लुभा लेंगे। हम लोग ऐसे ऐसे डिज़ाइंस आपके सामने लेके आए हैं कि आपका दिल मानेगा नहीं इसको खरीदे बगैर। कहीं ना कहीं जितने भी आपके प्यारे प्यारे कस्टमर्स हैं जो हमेशा रोकड़े की ओर आकर्षित होते हैं, उन सभी को आप आज धनतेरस और उसके बाद आने वाली दिवाली के लिए VCN के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? इनका जो अटूट विश्वास रहा है, मैं जितने भी दर्शक है आपको देखने वाले, मैं सभी को धनतेरस के साथ साथ दीपावली की जो दीपों का उत्सव है, एक आनंद उत्सव है, उसके लिए मैं रोकड़े परिवार की ओर से, पूरे मैनेजमेंट टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। दुनिया भर की खुशियाँ आपको मिले ऐसी मैं शुभकामना देता हूँ। कहीं ना कहीं आपको भी VCN और मेरी तरफ से दिवाली की और धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिस तरीके से कहा इन्होंने कि रोकड़े ज्वेलर्स की ओर ग्राहक इसलिए हमेशा आकर्षित होते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे सबसे अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलती है, आकर्षक डिज़ाइनें भी मिलती है, और यही जो है ग्राहकों को रोकड़े ज्वेलर्स की ओर आकर्षित करता है। दशहरे के पावन पर्व पर सोने के आभूषण लेने का जो महत्व है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है, और इसी बीच आज हम रोकड़े ज्वेलर्स में आए जहाँ पे हमको पता चला कि किस तरीके से ग्राहकों का रोकड़े ज्वेलर्स को प्रतिसाद मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं पे यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ है कि कहीं ना कहीं पैर रखने के लिए भी यहाँ पे जगह नहीं है रोकड़े ज्वेलर्स में, और हमें इससे पता चलता है कि किस तरीके से रोकड़े ज्वेलर्स की जो यूनिकनेस है, उसकी डिजाइन है, उस वजह से ग्राहक यहाँ पे और आकर्षित होते हैं और ग्राहक रोकड़े ज्वेलर्स की ओर आते दिखाई दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, VCN न्यूज़ नागपुर।